तो हेलो इंडिया, गुड इवनिंग जी। आजकल नया स्टाइल हो चुका है वीडियो बनाने का, क्योंकि वीडियो ही शाम को शुरू करता हूँ। शाम को ना मजा रहता है। तो की हाल चाल आप सभी का, हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत शहर जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। और भाई अभी ना मेरे को बहुत सारे काम मिले हैं करने के लिए। चलो भाई साथ में काम करते हैं, साथ में वीडियो बनाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आज सावन का पहला सोमवार भी था, तो सावन के पहले सोमवार क्या आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ठीक है, काम शुरू करते हैं। क्या क्या काम मिला है वो सारा आपको पता चल ही जाएगा। और भाई सुबह दिखा रहा था 60% बारिश होगी, पर सुबह बारिश हुई, उसके बाद बारिश हुई नहीं। ए मक्खी, तेरी वजह से मेरे बर्ड मिसप्रिंट हो रहे हैं, खा जाऊंगा कच्चा कच्चा। चलो भाई अभी मेरे को बहुत सारे काम मिले हैं, पहले वो काम करते हैं भाई। मेरे दोस्त मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अपनी ना जो मेहनत के पैसे है ना 12-13 लाख जो घर बनाने के लिए हमने यूज करे थे ना, वो सारे ना पानी में चले गए। वो पता क्यों बोल रहा हूँ? चलो पहले आपको दिखाता हूँ। घर के ऊपर ना एक दरार आ रखी है भाई, मुझे टेंशन हो रही है, लेंटर में दरार आ गई भाई, पता नहीं कैसे आई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या पता वो ऊपर वाली जो परत होती है ना उसके ऊपर ही हो, पर मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि पानी सारा अंदर चला जाए। वो दिखाने से पहले मुझे एक काम करना है, वो काम यह है कि घास काटना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई काम शुरू करते हैं। वैसे तो घास ना खेत से लेके आना था, पर बाइक ही नहीं है कोई भी यार। मैंने आपको बताया ना वो मोटरसाइकिल ठीक ही नहीं हो रहा, 13,000 रुपया खर्च कर दिया है उसकी। अभी 13,000 रुपया वैल्यू नहीं है, पर हमने उसके ऊपर 13,000 रुपये लगा दिया भाई। किधर से काटना मामी? ये वाली चरी काटनी है, थोड़ी सी काटनी है, ज़्यादा नहीं। चलो अभी लगे हाथ में आपको दिखाई देता हूँ। मामी से गाय भी नहीं खींची जा रही। और भाई आपने देखा ना पिछले ब्लॉग में मंकियों ने एकदम से अटैक करा, और जितना भी जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ना बिहारी बंदे, उनका सारा राशन खा के चले गए। बाप रे, ये तो मैंने चेक ही नहीं करा पहले भाई। जो भी उनकी दालें थी ना, मतलब जो भी राशन होता है खाना बनाने के लिए, सारा मंकी ना खा के चले गए। चलो अभी ना मैं आपको छत के ऊपर दिखाता हूँ जो मेरे, अरे भाई एक गलती इन्होंने खुद करी है पता है। इन्होंने यहाँ पे ना आम फेंके होंगे, और मंकियों को लगा होगा कि अंदर ना काफ़ी ज़्यादा आम है और वो खाने के लिए आगे होंगे। एंड वो देखो छत के ऊपर ना दरार आ रखी है, और मुझे बड़ा टेंशन वाला सीन लग रहा है। ये दिख रहा है ना, ये देखो भाई, ये दरार ना यहाँ से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हो रही है? अच्छा भाई, ये दरार ना वहाँ तक नहीं गई है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से आ रही है भाई ऐसे करके। और हर जगह ना ऐसी दरार बनी हुई है, वहाँ से लेके वहाँ तक कट हुआ है, दिख रहा है ना। एंड काफ़ी बड़ी दरार है, मुझे अंदर तक पता नहीं है कितनी अंदर है, पर ये टेंशन का सीन बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ना पानी अंदर जाना शुरू हो जाए। जिसको भाई थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या ये दरार अंदर तक गई है, मतलब ये एक डरने का विषय है या नहीं है, मतलब टेंशन वाली बात है या नहीं है ना। ओ भाई बड़ी गर्मी है सच्ची। मामी चली गई हो घास खाने आगे? अभी भाई देखो मेरा कितना सारा काम ना पेंडिंग बचा हुआ है। वो जड़ी साफ करने वाली है सारी, जे वाली सारी साफ करने वाली है। और भाई वहां से ना वो पत्ते भी काटने हैं लंबे लंबे, गाय के लिए एक छोटी सी ना जुग्गी टाइप बनानी है। सारे काम पेंडिंग बचे हुए हैं। भाई अभी ना मैंने थोड़ा सा घास काटा, मेरी हालत देखो क्या होगी। एक टाइम ऐसा आ गया मुझे लग रहा था चक्कर आ रहे हैं। और भाई मैंने आपको बताया था ना पिछले ब्लॉग में कि हमारे मोहल्ले से ना बकरी चोरी होगी, मतलब दिख रहा है ना इनने पास पास घर हैं, चोरी होने का मतलब 0% चांस भी नहीं है, फिर भी घर से चोरी होगी। और अभी ना मैं पूरा जायजा लेके आया हूँ कि चोर कैसे आया, कितने बजे आया, कैसे कैसे चोरी करी है भाई। चलो मैं ना आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ भाई, मतलब बकरी के बच्चे होते हैं इनने ज़्यादा चिल्लाते हैं। चलो पूरा बताता हूँ। और ये सामने वाली दुकान है ना, यहाँ पे मैं हमेशा आता रहता हूँ ना, इन्हीं की बकरी चोरी हुई है भाई। सारे लोग ना यहाँ पे सो रहे थे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं पास से चोरी होगी। यहाँ पे सारे सो रहे थे ना, और बकरी पता कहाँ से चोरी हुई है? ये देखो भाई, यहाँ पे ना इन्होंने बकरी बांधी हुई थी, और फिलहाल मैं आपको सारा दिखाता हूँ। यहाँ से चोर आया, और चोर ने ना पास में नाला है ना, नाला पता कैसे क्रॉस करा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इनके घर ना 3 बकरियां हैं, एक उसकी मम्मी है, एक उसका बच्चा है, मतलब ये बीच में है ना वो वाली बकरी चोरी हुई है। और इन्हें ना अभी इतना ज़्यादा खौफ हो चुका है ना, इन्होंने ना डे टाइम ही भाई बकरी ना अंदर बांधी हुई है। ये देखो, ये ना उसका बच्चा है बकरी का,
तो इसकी मम्मी चोरी हुई है, एंड जो वो दिख रही है ना, वो ना इसकी नानी है, मतलब ये चोरी हुई है ना वो उसकी मम्मी है, कुछ ऐसा ही है भाई। तो ये ना कल से ये ना बेचारी दूध पीती थी उसका, तो ये तो बेचारी चिल्लाई जा रही है कब की यार, मतलब सोचो यार मोहल्ले से चोरी होगी बकरी। बड़ा बुरा सा लग रहा है कि वो बच्चा ना उसे दूध ही नहीं मिल रहा भाई। और मैं दिखाता हूँ चोर पता कैसे कैसे आया है, मतलब रात के ना 10:30 बजे चोरी हुई है, एंड तीनों बकरियां ना यहीं पे इन्होंने बांधी हुई थी, और एक बकरी मतलब मुंह ऐसे पकड़ के लेके चला गया, क्योंकि अगर उसकी माँ को उठा के लेके जाए तो वो बच्चा उसका चिल्लाएगा ना, तो बच्चा चिल्लाया ही नहीं भाई, कुछ ऐसा था। और मामी जी बोल रहे हैं कि दो बंदे थे चोरी करने वाले, और ये देखो भाई यहाँ से बंदा आया हुआ है, वो सामने लकड़ी दिख रही है ना, इसी लकड़ी से ना उन्होंने क्रॉस करा हुआ है यहाँ से, ये छोटू सा नाला है ना बीच में, ए वाली लकड़ी है भाई। और मामी जी बोल रहे हैं कि दो बंदों का काम है, क्योंकि अकेला बंदा ना बकरी उठा के लेके जा ही नहीं सकता, यहाँ से क्रॉस कैसे करेगा, क्योंकि सारा काम ना बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और भाई इन्हें पता कैसे पता चला, रात को 10 बजे पता चला, क्योंकि इनका जो छोटा वाला बालक है ना वो आया होगा पी करने के लिए बाहर, जैसे उसने देखा कि बकरियां तो है, एक बकरी है ही नहीं है, और बकरी मतलब चिल्लाई भी नहीं, तो भाई बकरी ना एक बकरी से दूसरी बकरी ऐसे थोड़ी सी पीछे भी हो जाए ना, इतनी ज्यादा चिल्लाती है बकरी, सर उठा लेती है, पर तब उठा मतलब बोली भी नहीं कुछ भी। और बेचारे बड़े परेशान है, बोले 10 साल से इन्होंने घर बनाया हुआ है, तब से चोरी नहीं हुई, मतलब अभी चोर इनके घर पे भी चोरी कर सकता है, मतलब ऐसा है कि अभी ना जो आसपास है ना सभी को ना सतर्क होना पड़ेगा। और भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अंधेरा रहता है, इन्होंने ना वो बल्ब भी लगाया हुआ है, पूरी लाइट रहती है, जिनका टॉयलेट वॉशरूम है, रात को आया होगा बालक पी करने के लिए, एंड अब उसने देखी बकरी एक बच्चा है ही नहीं है, बैठे हुए थे सारे, पर चिल्लाए भी नहीं थोड़ा बहुत भाई, मतलब इससे पता चलता है कि जो चोर है ना बड़ा शातिर चोर है। भाई अभी ना शाम को ना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि गाय ना लंबे लंबे सांस ले जा रही है, पहले तू खा ले, मैं तेरी गुदगुदी कर रहा हूँ मजे से, वो हजम नहीं हो रही तुझे ना। अभी मैंने भाई से पानी से नहला तो दिया, पर शाम को ना नहलाना नहीं चाहिए, नहीं तो बुखार होना शुरू हो जाता है। अरे करने दे ना गुदगुदी, जब भी मैं इसके पास आता हूँ ना भाई से पता है कि अंकुश ना गुदगुदी करने वाला है, एंड बिल्कुल मेरे पास आ जाती है, पर मैंने सोचा आज कर ही देता हूँ अच्छी तरह, है ना। भाई परसों ना मामी ने ना इसका साग बनाया था, इतना ज्यादा टेस्टी था ना मां कसम, सच्ची बोल रहा हूँ। और मैंने मामी को बोला कि भाई कल ना फिर से इसका साग बना देना, कल फिर मैं मंदिर में रहने दूंगा, थोड़ी बहुत खाऊंगा। और भाई सच्ची यार इसका साग ना इतना ज्यादा टेस्ट होता है, क्या बोलते हैं मामी इसे, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते भी। अच्छा बाथू बोलते हैं, कना भी बोलते हैं भाई, सची ये क्या, मैंने सोचा अपने लिए है, चलो इधर तो बहुत ज्यादा है, कल बना दियो मामी थोड़ा, सची यार इन... हाँ अच्छा वो कोई कोई और चीज है वो, अरे फिर ये रहने दो, ये ना बड़ा ज्यादा गर्म होता है, मैंने सोचा ये बनाया हुआ था, नहीं मामी वो बनाओ जो पहले बनाया हुआ था परसों, कल हाँ पहले मेरे को लगा कि जे वाली चीज बनाई हुई है बाथू, पर ये ना बड़ा ज्यादा गर्म होता है भाई, पर सोचो कि ये ना, हाँ जी चोल डालने हैं, पर मासी जेड़ा कल बने था ना बड़ा टेस्ट हो, अच्छा चलेरी है वो भाई, साग के ना इन्हें ज्यादा नाम है ना, उसका नाम है चिलेरी। और ये देखो भाई इधर मंकियों की ना इधर नजर नहीं पड़ी है, करेले ना इन्हें बड़े बड़े हो गए हैं, मुझे लग रहा है मामी ये मंकी ना करेले खाते ही नहीं है ना, कोड़े हाँ भाई ये कड़बे होते हैं तभी मंकी से खाते नहीं है, देखो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, ये ना कोई हाईब्रिड वाला बीज मिला है, हाँ वो वाला साग बनाना जो चिलेरी है ना, अगर ये बनाना है ना सुक्का नहीं बनाना मामी, इसमें ना मसाला भर के बनाना है, ये भी दिक्कत है भाई, घर वाले ना इसे काट के ना तेल में बना देते, बड़ा सूखा सूखा, उसके साथ ना दही चाहिए, इसके अंदर मसाला भर के फिर आता है मज़ा, एंड कितने सारे हैं भाई, ये ना कोई हाइब्रिड भी है इस बार। Thank you.
रहे हैं ना इसे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, पूरा एंजॉय कर रही है अपनी गुदगुदी को। भाई मेरी नानी जी का ना हौसला है, कुछ टाइम पहले ना मैं घास काट रहा था, मुझे ना चक्कर आना शुरू हो गए क्योंकि काफी टाइम से ना बैठ के काम नहीं कर रहा है, और टांगों के बल से जब आप उठते हो ना बैठ के, जैसे नानी जी बैठे हुए हैं एकदम से उठते हो ना चक्कर आना शुरू हो जाता है, खासकर अभी तो ऑक्सीजन भी नहीं है ना, एंड इतनी गर्मी में मेरी नानी देखो ये बिंडी है ना इसे गोडी कर रहे हैं, गोडी का मतलब घास निकाल रहे हैं जो अनवांटेड घास है, और यहाँ पे ना बिंडी ना काफी ज्यादा घनी हो चुकी है, उनमें से ना कुछ पौधे निकाल रहे हैं, ये तो घनी हो जाएगी ना इतना अच्छा फल नहीं लगेगा फिर। कितना काम करती है यार मेरी नानी, पानी बारिश होनी है रानी, बरखा हुई नहीं है। अच्छा एडे, अच्छा जो पौधे निकाल रही है ना नानी, आगे पीछे ना प्लांट करने हैं भाई, जैसे साइड पे नहीं है ना तो इधर प्लांट कर देने हैं, तो कितना जोर लगा रही है नानी भाई, ले निकाल, ओहो पौधा नीचे रह गया, मिट्टी आ गई सारी ऊपर, जोर लगा के अच्छा यहाँ से निकाल के नानी ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया भाई इसे। नानी ये भी लाना कितने, ओ भाई राजू ना कहीं से दारू पी के आ गया, राजू दारू पी हुई है, है? किसने पिलाए दारू, किने बैग मारे है, चार भाई जैसे ही शाम हुई है ना राजू कहीं से ना टल्ली हो गया आ चुका है, टल्ली समझ रहे हो ना मतलब पैग मार के आ चुका है, राजू किने बैग मारे है, चार ओनली, अभी मेरे को इनवाइट पता क्या कर रहा है, मेरे को इनवाइट पता क्या कर रहा है कि भाई चल, बोला चल छत के ऊपर सोते हैं भाई, राजू कोई कहाँ पे सोता है, कोठे पे मतलब त्रिपाल बिछाता होगा ऊपर सो जाता है, मैंने बोला है ना आजकल भाई मंदिरों में जाते रहते हैं ना चढ़ावा चढ़ता रहता है, राजू मंत्र पह लेना ना, मंत्र पह चुकना ना, क्यों पाव लगा, ये भगवान बोला पाव लगता है, पर ये झूठ बोल रहा है उठा लेता भाई, कितने पैसे चुके कर लो, एक भी नहीं पाव लगता, चल पता नहीं अभी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पर पीके बंदा सच ही बोल रहा है, अभी बोला है छत के ऊपर जल सोने, परावा अभी खाना भी खाना है, हा? खाना भी खाना है ठीक है, खा ले, कितने पैग मारे हैं, चार भड़क मार दे भाई, इसकी शक्ल देख के लग रहा है ना इसने पैग शैग मारे हुए हैं, पता नहीं कौन पिलाता है शाम को भाई, कोठे पर, कोठे पर। तो मेरे दोस्त नए सुबह में आप सभी का स्वागत है, जिसका भाई काफी टाइम से इंतजार था ना, फाइनली बारिश का इंतजार था भाई, आज देखो मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब रात की लगी है, रात की नहीं रात को एक दो बजे से बारिश लगी है, कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही है, और मौसम भी ठंडा है, जिसकी वजह से ना बर्तन भी नानी को यहीं पे साफ करने पड़ रहे हैं, ठीक है भाई अभी हमें जाना है मंदिर, भाई मंदिर जाने आने में कपड़े गीले हो जाएंगे, पर जाना पक्का है भाई, चाहे बाढ़ क्यों ना आ जाए कोई नहीं रोक सकता, नानी ने सही जगह चूज करी है खाना बनाने के लिए, इधर तो उधर बारिश में नहीं धो सकते ना इस टाइम, तो ठीक है भाई फटाफट मैं ना रेडी हो जाता हूँ फिर चलते हैं मंदिर, एंड देन ये बाकी बचे हुए कार्यक्रम है ना वो कर लेते हैं, आज भाई बारिश में ना सबसे मेन वाला काम करते हैं वो पता क्या है, चलो अभी मैं ना छाता ले लेता हूँ, जो मेरे को पौधे लगाने हैं ना आलू बुखारे के आगे पीछे या फिर गुलाब की कलमे लगानी है वो इसी बारिश में काम डन हो सकता है, जो इस बारिश में मैं पौधे लगाऊंगा ना वो कभी नहीं मरेंगे भाई, चलो छाता भी आ चुका है चलते हैं, भाई मंकी ना कल की सारी जितनी भी दालें है ना खा के चला गया है, तो अभी भाई लोग सोच रहे हैं कि नया राशन लेके आए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, अगर ये काम करने के लिए नहीं जाएंगे ना फिर इन्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, अगर ये काम करने के लिए चले जाते हैं ना फिर यहाँ पे काम करते हैं ना वो लेके आ जाएंगे ना भैया, और भाई रात को आधी रात को बारिश आई ना फिर छत से नीचे आना पड़ा, और भाई अभी ना ये लकड़ी नहीं जला रहे, हमारे पास लकड़ी तो है क्योंकि लकड़ी ना सारी गीली हो चुकी है, जो हमने पेड़ काटा है ना वो सामने वाला इन्हें लग रहा है कि वो ना बड़ का पेड़ है मतलब पीपल का पेड़ है, और पीपल की लकड़ी ना जलाते नहीं है, पर वो पीपल का नहीं है यार वो ना सेंटर वाला है मतलब कोई नई प्रजाति है पर उन्हीं के आसपास है कुछ, तो इसलिए मैंने बोला अंदर काफी ज्यादा लकड़ी पड़ी हुई है आप जला सकते हो, मैं इसे भैया आप कहाँ से हो, बिहार में कहाँ से, मधेपुरा मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट,
मैं तो पहली बार भाई लोगों को सभी को इकट्ठे देख रहा हूँ, नहीं तो एक दो ही मिलता है शाम को। ठीक है भाई, बारिश में ना मैं मेन वाला काम करने के लिए आया हूँ, आलू बुखारे के पौधे ना अभी मेरे को ना हर जगह लगा देने हैं, मतलब मोहल्ले की वो सामने वाले जगह थोड़ी थोड़ी खाली है ना, एक दो पौधा ना हर जगह लगा देना है, मतलब पूरे मोहल्ले वाले ना आलू बुखारे खाते रहेंगे से। और जे दिख रहे हैं ना, गाय का ना बेबी होने वाला है एक महीने के बाद, पर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इस बारिश से ना ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है, मतलब ठंड नहीं है, मौसम वैसा ही है नॉर्मल। ठीक है, मैं इसे घास खा, ठीक है। चलो भाई, अभी मेरे को ना इस वाले पेड़ की ना छोटी छोटी लकड़ियां काटनी। भाई अभी ना मैंने छोटी छोटी ना 8 कलमें काट ली है, फ्यूचर में ना देखना अगर सब कुछ सही रहा ना, नेचर टाइम पे बारिश करती है ना, तो ऐसे ना बड़े बड़े 8 पौधे हो जाएंगे। बाय बाय, स्कूल छुट्टी है भाई बारिश में। भाई आज इतनी तेज बारिश हो रही है ना, अपनी मोटी मामी भी लेट हो चुकी है, अभी आ रहे हैं खेतों से गाय का दूध निकाल के। मामी मंदिर भी जाना है ना, मंदिर भी जाना है भाई। मामी भी ना पूरे महीने मंदिर जाएगी, अभी मामी व्रत भी रखे हैं। व्रत रखे रहा कल, कल रखा है, पूरे नहीं रखा। ये दूध है ऊपर, आहो ओ डब्बे च पाए लंदे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो बनाओ चाय फिर। ए मामी मैं ना ये बाकी वाले खेतरे च लाना, सारे ना लाई ना के जिल जागे ना ले लो, जिल जागे ना ले लो। अभी ना अपनी मोटी मामी ने भी बोला कि जब वो खेतों वाली साइड जाएंगे ना, वो भी एक दो कलमे लेके जाएंगे और खेतों वाली साइड भी आलू बुखारे हो जाने हैं। भाई फिलहाल ना दो पौधे ना मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया, एक यहाँ पे एक बहुत सामने, अगर फ्यूचर में ना एक मर जाता है एक तो भाई डेफिनेटली उग जाएगा, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और टाइम टू टाइम ना मैं इसकी केयर भी करूंगा।